Today we are going to discuss floating lemon experiment. Material required are 2 glass of water, 2 lemons and salt. It is based on the principle that any object float on the surface of water if its density is less than water, and object will sink if its density greater than water. Now let's start the experiment. इन दोनों ग्लासेस में नॉर्मल वाटर है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेमन को इस गिलास के अंदर डाल के देखेंगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर डूब जाएगा. लेकिन जब हम इस गिलास के अंदर नमक ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो लेमन है इसके ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा. लेमन को इसके अंदर डाल के देखते हैं. वी सी दैट इट विल सिंक ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास. अब दूसरे ग्लास के अंदर नमक ऐड करते हैं. अब नमक को इस गिलास के अंदर डिजोल्व करते हैं, अच्छे से डिजोल्व करते हैं. अब नमक इसके अंदर पूरी तरह डिजोल्व हो चुका है. अब हम इसके अंदर लेमन डाल के देखते हैं तो इसमें हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो लेमन है वो पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है. रीज़न ये है कि नमक डालने के बाद जो पानी है उसकी डेंसिटी जो है इंक्रीज हो चुकी है. जो नॉर्मल वाटर है उसकी डेंसिटी लेमन की डेंसिटी से कम थी, और नमक डालने के बाद इसकी डेंसिटी लेमन की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये इसके सरफेस पे फ्लोट कर रहा है.